कहना चाहेंगे, जो मायावती के तमाम लोग हैं बहुजन समाज के लोग, वो ताकत दिखाते हैं कि बहन जी इतनी ताकतवर है, बिना बहन जी के सरकार नहीं बन पाएंगे। तो क्या लगता है 2024 के अंदर मोदी के जादू को खत्म कर पाएंगी बहन जी? क्या कहना चाहेंगे सर अभिषेक जी? मोदी के जादू को अगर कुछ इस देश में कोई खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी ही खत्म कर सकती है। जी अब इसके लिए उनको जिन लोगों का सहयोग चाहिए, एक तो बहुजन समाज का सहयोग चाहिए, बहुजन समाज के लोगों को। हालांकि देखिए एक बात है, बहुजन समाज के लोग बहुत सारी मीटिंगें करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम लगाते हैं, उसमें बाबा साहब की बहुत चर्चा करते हैं, और बाबा साहब ने जो एक रास्ता बताया है, एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज, ये हर कोई जानता है, जी लेकिन बाबा साहब ने जो पूरी बात बताई है उसको लोग कम जानते हैं। जी उन्होंने कहा है कि एजुकेट एजिटेट ऑर्गेनाइज, हैव फेथ एंड हैव पेशेंस, जी हैव फेथ एंड हैव पेशेंस, ये बहुत जरूरी है। जैसे एक कोई लड़का अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर तभी बन सकता है जब उसके ऊपर क्या है, उसको अपने ऊपर फेथ हो कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। दूसरा क्या है कि डॉक्टर बनने के लिए जो उसको लंबी पढ़ाई करनी है तो उसके लिए उसको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। कोई एक दिन में ओवरनाइट जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकता, ना कोई इंजीनियर बन सकता है, ना कोई वकील बन सकता है, ना कोई ओवरनाइट में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो जो बाबा साहब ने जो पूरी बात बताई है उसमें फेथ और पेशेंस का भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन बहुजन समाज के लोग उसको बाबा साहब की बात करते हैं लेकिन ये दो बातें भूल जाते हैं। तो उनको ये फेथ और पेशेंस के साथ जो है बहन जी के साथ जोड़ने की जरूरत है कि बहन जी अगर हमारी लीडर है तो उनके ऊपर विश्वास रखिए और उनको मौका दीजिए, समय दीजिए कि वो ऐसा कर सके आपके भरोसे। दूसरी बात है कि बहुजन बहन जी की जो बात आती है कि क्या वो मोदी को हटा सकती है कि नहीं, ये जितने भी हटाने वाली ताकतें हैं जो संविधान का हवाला देके आज लोगों के बीच में भ्रम फैला रही है कि संविधान खतरे में है, कालेलकर कमीशन को जो पिछड़ों के अधिकार के लिए था उसको न नेहरू गवर्नमेंट में लागू किया गया, न कांग्रेस की किसी भी सरकार में लागू किया गया। तो वो लोग जो पिछड़ों को अधिकार नहीं देना चाहते, वो अधिकार जो संविधान उनको देता है, तो वो लोग कैसे इस संविधान के रक्षक हैं? ये पिछड़ों को सोचने की जरूरत है, ये दलितों और मुसलमानों को सोचने की जरूरत है कि जिसको इतने लंबे समय तक इस देश का हुक्मरान बना के रखा, जिसको हम कांग्रेस पार्टी कहते हैं, उसने पिछड़ों के नेतृत्व को, पिछड़ों में जो उनकी भागीदारी है, पिछड़ों की जो के संविधान के जो अधिकार है उसको लागू करने वाला जो कमीशन था उसको उन्होंने लागू नहीं किया, कालेलकर कमीशन को लागू नहीं किया, मंडल कमीशन को लागू नहीं किया। तो ये लोग संविधान की किस मुंह से बात करते हैं? और जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान को रिव्यू करने के लिए जजों की एक बेंच बनाई थी, तब कांग्रेस पार्टी ने तो कहीं नहीं बोला था कि संविधान का रिव्यू नहीं होना चाहिए। क्या वो रिव्यू किस लिए करा रहे थे ये बात कांग्रेस पार्टी को पता नहीं थी? लेकिन वो तब इसलिए वो बीजेपी के साथ खड़ी थी क्योंकि उसको इस बात का एहसास है, एहसास था कि बहुजन समाज के लोग उसको क्या है, कांग्रेस पार्टी को वो भूलेंगे नहीं, कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज को अपने एजेंडे में ट्रैप कर लेगी। आज वो कांग्रेस पार्टी जो है एजेंडा चला रही है कि संविधान खतरे में है। भाई जी जब अटल बिहारी वाजपेयी संविधान को खतरा पहुंचा रहे थे तब तो आप चुप थे, आज आपको संविधान खतरे में नजर आने लगा। क्यों? क्योंकि आज इस देश में बहुजन आंदोलन, या ये कहिए कि बहुजन समाज पार्टी की जो स्वीकारोक्ति है, जो प्रभाव है, वो पूरे देश में बढ़ा है, जिसको कांग्रेस ने बहुत नजदीक से महसूस किया हो, वो चाहे कर्नाटका हो, वो चाहे राजस्थान हो, वो चाहे उत्तराखंड हो, और वो चाहे मध्य प्रदेश हो। तो इसमें जो बहुजन समाज पार्टी का जो प्रभाव है उसने महसूस किया है। अब चूंकि बहुजन समाज पार्टी जब भी बात करती है, या आप देखेंगे कि हर चुनाव में सारी पार्टियां अपना घोषणा पत्र देती हैं, उसमें बताती है कि हम गरीबों को कैसे हम अमीर बनाएंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कोई घोषणा पत्र नहीं देती है। तो बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है क्या? बहुजन समाज पार्टी किस बात को अपना घोषणा पत्र बताती है? तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा संविधान को अपना घोषणा पत्र बताती है। जी तो बहुजन समाज पार्टी का जितना भी आंदोलन चला है इसमें लोगों की संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ी है, तो उस जागरूकता को
ट्रैप करने के लिए, उसका फायदा लेने के लिए आज कांग्रेस क्या सबके सामने बोल रही है कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, ये लोगों को समझना चाहिए। ये चालाक बिल्ली की तरह जो है कांग्रेस जो है वो दूध की मलाई चाहती है, जो बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन के बैनर तले क्या है इकट्ठा की गई है। क्या इकट्ठा की गई कि आज बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज के लोग संविधान को लेकर बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, उसको अपना स्वाभिमान का ग्रंथ मानते हैं। बहुजन समाज के लोग किसी भी धार्मिक ग्रंथ को अपना ग्रंथ नहीं मानते हैं, वो संविधान को अपना मुक्ति का ग्रंथ मानते हैं। तो आज कांग्रेस संविधान की बात कर रही है, जिसने संविधान का अपने शासन काल में चाहे राज्य में हो चाहे देश में हो उसका उल्लंघन किया, तो ये सोचने की बात है। तो ऐसे में जो अगर आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस मोदी के खिलाफ काम नहीं कर रहा होता तो वो बहुजन समाज पार्टी या बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का लीडर घोषित करके उनके नेतृत्व में जो है सड़कों पर संघर्ष करने के लिए उतर चुका होता। लेकिन उनको कहना कुछ और है, करना कुछ और है। संस्कृत में एक श्लोक कहा जाता है ना, वचनम किम कराती, ये कहते कुछ और है। जैसे राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी का नारा बोला कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन आप मध्य प्रदेश में राजस्थान में उनके टिकटों का वितरण देख लें तो जितनी रिजर्व सीटें हैं उससे एक ज्यादा टिकट भी शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब्स को नहीं दिया है। तो भाई आपने भागीदारी कैसे सुनिश्चित किया है? आप पिछड़ों की जगह जो है अगड़ों की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो इनकी जो चेष्टा है वो केवल बहन जी के खिलाफ ये ओपिनियन बनाने की है कि बहन जी अकेले रह के बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती हैं, जबकि अगर ये संविधान में विश्वास करते तो संविधान को लागू करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। उसकी जो नेता बहन कुमारी मायावती जी है, उन्होंने 5 साल में संविधान को उत्तर प्रदेश में लागू करके आपको दिखाया। तो अगर इनका संविधान में विश्वास होता तो ये बहन कुमारी मायावती जी को मोदी के सामने सबसे सशक्त चेहरे के रूप में ये मान लिए होते और आज इस तरह की नौबत नहीं आती। आज इंडिया गठबंधन को 8 मीटिंगें और करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे ही बहन जी को अगर ये आज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश का शेड्यूल कास्ट, इस देश का शेड्यूल ट्राइब्स, इस देश का मुसलमान, इस देश का पिछड़ा, अति पिछड़ा, वो इस गठबंधन में दिलो जान से जुड़ जाएगा। उसका एक ही लक्ष्य होगा कि बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना और नरेंद्र मोदी जो पूंजीपतियों के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनको इस देश की सत्ता से बेदखल करना। और कोई भी ताकत नहीं है जो इस काम में जुड़ती नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि बहन जी के अलावा इस देश के पास कोई भी चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। और बहन जी चेहरे से नहीं, बहन जी अपने नीति से, अपने उन्होंने जो काम किया है, उनकी जो जनता में पहचान है, जो इमेज है, उस इमेज से लोग क्या है बहन जी के साथ जुड़ने वाले हैं। और बहन जी ही एकमात्र इस देश में केवल चेहरा है जो मोदी को, जो मोदी का व्यक्तित्व है उसको चैलेंज कर सकती है। जो जिस तरह से मोदी ने मीडिया, जो जातिवादी मीडिया है, वो जिस तरह से मोदी कैंपेन करता है, उस कैंपेन को अगर कोई सही मायने में डिफ्यूज कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, तो वो बहुजन मिशनरी है, जो बहुजन मिशनरी बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश में काम करते हैं। तो केवल बहन जी ही एकमात्र विकल्प है इस बात को, चाहे कांग्रेस हो चाहे इंडिया अलायंस हो, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि उसका आज भी संविधान से कुछ लेना देना नहीं है, केवल संविधान को एक चारे के रूप में इस्तेमाल कर रही है, बहुजनों को गुमराह करने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रही है कि बहुजन समाज को का किसी तरह से वोट लिया जाए। अगर वो खुद सत्ता में ना आए तो बीजेपी को सत्ता में बना के रखा जाए। और इंडिया गठबंधन का मुझे लगता है कि एक जो जैसे होता है ना पॉलिसी बिहाइंड पॉलिसी, एक उनका जो राजनीति है उसपे, वो ये भी है कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में लाए। जैसे माननीय मुलायम सिंह जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि हम चाहते हैं, विरोधी भले से है लेकिन हम चाहते हैं कि आप ही जो है फिर से देश का प्रधानमंत्री बने। तो दोबारा जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो वैसे ये बिना कहे इंडिया गठबंधन जो है बिना कहे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। इसलिए वो ये जानता है बहन जी की ताकत को, फिर भी वो बहन जी के साथ, बहन जी को वो मौका देने से जो है कतरा रहा है।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, इस देश को बताना चाहता हूं कि जब तक बहन जी को मोदी के खिलाफ नेता नहीं बनाया जाता है, लीडर नहीं घोषित किया जाता है, तब तक इस देश में कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं कर सकती है। इस देश में केवल बहन कुमारी मायावती जी ही एकमात्र चेहरा है, एकमात्र ऐसी लीडर है जो जो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है, उन्होंने आपको पता है अटल बिहारी को सत्ता से बाहर किया है, वो नरेंद्र मोदी को भी सत्ता से बाहर कर सकती है। इसके लिए इंडिया गठबंधन को बिना शर्त बहन जी को जो है समर्थन देने की जरूरत है। जी नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए।